नमस्कार। तो आज का हमने जो सेशन रखा वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ में एफिलेटेड कॉलेज के कुछ कट ऑफ को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ में PGDET के रिजल्ट को भी यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, जो कि MSc, MCOM और MA का रिजल्ट लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही मैं बता दूं कि अब जो UGAT के जो कट ऑफ है वो अपने आखिरी फेज़ में चल रहे हैं, यानी जो अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, मेरी एडवाइस लीजिए कि आप एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग कि आप मेन कैंपस में क्लास कर सकते हैं, तो जो कॉलेजेस हैं जो अभी भी जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया तो वो ले सकते हैं एडमिशन। मैं बात करूँ आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए, तो आज की डेट में मैं बात करूँ 7 दिसंबर काउंसलिंग के लिए जो कट ऑफ गई है, साथ ही साथ में हम तमाम प्रकार की कोर्सेज के यहाँ पे कट ऑफ डिस्कशन करेंगे। अगर आपकी चीज़ें जानकारी हैं तो आप उसको देख सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, नहीं तो अपनी स्पीड को आप दोगुना रख सकते हैं, ठीक है। मैं बात करूँ आज की कट ऑफ की, तो आज के लिए जो कट ऑफ बुलाया गया है जिन स्टूडेंट को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी में मैं बात कर रहा हूँ, तो देख लेते हैं BA प्रथम वर्ष यानी BM लेना चाहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी में, तो जो उसकी कट ऑफ गई है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए गई है, यानी जनरल वालों के लिए यहाँ पे सीटें फुल हो चुकी हैं, जबकि OBC की जो कट ऑफ गई है वो 40 गई है, वहीं SC और ST की जो कट ऑफ गई है वो समस्त स्टूडेंट को बुला लिया गया है, और साथ ही साथ में EWS की जो कट ऑफ गई है वो 10 गई है, ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। वहीं BSc मैथ की मैं बात करूँ तो BSc मैथ में जनरल की जो कट ऑफ गई है उससे 115 गई है, 115 OBC की 100 गई है, जबकि SC ST को सभी को बुला लिया गया है, ठीक है, EWS का भी कोई कट ऑफ यहाँ पे नहीं निकाला गया है। वहीं BSc बायो की मैं बात करूँ तो सिर्फ यहाँ पे OBC का कट ऑफ निकली है जो कि 80 है, और EWS के लिए भी 80 है, जबकि SC और ST सभी कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया है। वहीं मैं बात करूँ BCOM के लिए, तो BCOM के लिए EWS का कट ऑफ जो है गई है वो गई है 70, वहीं और SC और ST के लिए जो गई है वो और कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, अगला कट ऑफ देखते हैं अपना। अगली जो हमारी नोटिस है वो स्पेशली NCC वाले के लिए है जो गर्ल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे बॉयज़ के लिए नहीं है, बॉयज़ के लिए ऑलरेडी निकल चुकी थी, यहाँ पे गर्ल्स के लिए स्पेशली यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फर्स्ट ईयर के एडमिशन लिए हुए सभी NCC लेने वाले इच्छुक छात्राओं को सूचित किया जाता है कि कार्यालय 2 UPRT आर्टिव बैटरी NCC 8 चैंथम लाइन्स इलाहाबाद, जिसे हम इंटरनेशनल हॉस्टल के पास जो है, में प्रवेश इनरोलमेंट हेतु और आवेदन पत्र पूर्णतः कंप्लीट करके दिनांक 10/12/2020 तक प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक बीच में आप कार्यालय में जमा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको चैंथम लाइन्स जो इंटरनेशनल हॉस्टल के पास में है वहाँ से जाके आपको फॉर्म लेना है, उसको भर करके 10 तारीख तक आपको, या फिर उसी समय भर करके आप उसी समय जो है जमा कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जाना है, फॉर्म फिलअप करना है, और आपके पास लास्ट जो डेट है वो 10 तारीख तक है, ठीक है। 10 तारीख तक वहाँ पर जा सकते हैं, फॉर्म लीजिए, भरिए, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है उस पर चस्पा कीजिए, इसके बाद वहाँ पर भर के आप दे दीजिए, ठीक है। जो भी आगे की प्रक्रिया होगी वो लोग खुद बता देंगे। अब इनरोलमेंट हेतु शारीरिक प्रशिक्षण एवं लिखित परीक्षा जो दिनांक यहाँ पर तय किया गया है वो 12 तारीख को तय किया गया है। 12 तारीख को सुबह 8 बजे से आपको भारत स्काउट एंड ग्राउंड में लिया जाएगा, सभी दस्तावेज ओरिजिनल लाना अनिवार्य है। इनरोलमेंट फॉर्म के साथ अनुलिखित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिशन की फर्स्ट ईयर की जो फीस रसीद है उसको आप साथ में रखेंगे, हाई स्कूल इंटरमीडिएट अंक पत्र और प्रमाण पत्र, ठीक है, दोनों साथ में रखेंगे, एक फोटोग्राफ आपको साथ में रखनी है, 2-3 अपने साथ ले लीजिएगा, और SBI बैंक खाते का पासबुक की फोटोकॉपी, SBI बैंक में खाता होना चाहिए, आधार कार्ड और ईमेल ID व फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आधे निशानुसार आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, जो छात्राएँ हैं, जो गर्ल्स हैं, उनके लिए सूचनाएँ थी। यहाँ पे मैं बता दूँ, किसी को भी यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है कि NCC को लेकर के, तो आप उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे आपके सीनियर्स हैं तो आप उनसे बातें कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी NCC कर रहे हैं, तो कैप्टन आदित्य यादव हैं जो कि इनका फ़ोन नंबर है, 2 फ़ोन नंबर दिए गए हैं, और कैप्टन जो है आदित्य सोनकर हैं यहाँ पे, ठीक है, आपके सीनियर हैं तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोई भी रिगार्डिंग अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो। वहीं मैं ईश्वरचंद डिग्री कॉलेज की बात करूं तो आज के लिए यानी 7 दिसंबर 2020 के लिए जो BA की कट ऑफ गई है, आखिरी फेज़ की कट ऑफ है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जिनका भी नहीं हुआ है, ऑल कैंडिडेट के लिए गई है, तो आप यहां पे करवा सकते हैं। 98 एंड अबव सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अंतिम मौका बचा हुआ है सीमित सीटों पर, ठीक है। तो सभी लोग मैं कहूँगा कि आप जल्द से जल्द अगर आपने अभी तक नहीं करवाया है BA में तो आप यहाँ पर करवा सकते हैं। वहीं बात करूँ तो BA एडमिशन का जो समय है 12:00 से 5:00 तक, या सीट भरने से जो भी पहले हो आप यहाँ पर ले सकते हैं एडमिशन। वह BSc मैथ की बात करूँ तो SC और ST सभी कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया है, जबकि और अदर कैटेगरी के लिए कोई कट ऑफ यहाँ पे नहीं निकाली गई है। तो BSc मैथ एडमिशन का मैं बात करूँ, सुबह 12:00 से 5:00 तक एडमिशन जो है प्रक्रियाएँ चलेंगी। वहीं BSc बायो की बात करूँ तो EWS, SC और ST
ऑल अपियर्ड कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया है। वहीं बीएससी होम साइंस में ऑल अपियर्ड कैंडिडेट, चाहे जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप होम साइंस करना चाहते हैं तो यहाँ पे बस आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो पेपर हुई थी एंट्रेंस एग्जाम उसमें बैठे रहना चाहिए, बाकी आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। बीएससी बायो, बीएससी होम साइंस एडमिशन का जो समय है दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। वीवो की बात करूँ तो ऑटोमोबाइल एंड फूड प्रोसेसिंग की, तो इंटरपास सभी अभ्यर्थियों को यहाँ बुला लिया गया है। isdc.ac.in पर आप चेक कर सकते हैं सारी जानकारी को। मेन कैंपस अपडेट की मैं बात करता हूँ तो MA MSc साइकोलॉजी के लिए काउंसलिंग सूचना जारी, 10 दिसंबर को होगी काउंसलिंग, ठीक है। MA और MSc साइकोलॉजी के लिए जो काउंसलिंग की जो सूचना है वो जारी कर दी गई है, 10 दिसंबर से जो है काउंसलिंग की डेट बताई गई है। मैं साइकोलॉजी की बात करता हूँ MSc साइकोलॉजी की, तो ऑल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई है वो 196 गई है। OBC कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई है 160 गई है, और SC कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई है वो 134 गई है। वहीं EWS कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई है वो 146 गई है, जबकि ऑल अपियर्ड ESTE कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया है, ठीक है। तो पहली कट ऑफ है थोड़ी हाई गई है, डोंट वरी, थोड़ी सी जल्द ही ये जो कट ऑफ है वो जल्द ही गिर जाएगी, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है कि MSc साइकोलॉजी की जो कट ऑफ गई है वो 196 किसके लिए, ऑल कैटेगरी के लिए गई है। OBC के लिए अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 160, SC के लिए 134, EWS के लिए 146, और ऑल अपियर्ड ST कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया है, ठीक है। तो ये आज के अकॉर्डिंग न्यूज़ थी जो कि आई थिंक आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। आपको कोई कन्फ्यूजन तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर आप हमसे पर्सनली भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।